Welcome back to my YouTube channel and this is your Manpreet ma'am and today we are going to read chapter number 3 of your geography book class 8 mineral and energy resources. आप सब जानते हो कि इस chapters की हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है. geography के सारे chapters आपको इस YouTube channel पे मिल जाएंगे and हम लोग बाकी भी history and political के भी जल्दी ही upload करेंगे. so इसलिए सारी videos को अच्छे से आपको पढ़नी है ताकि आपके exam में अच्छे marks जो हैं वो आ सकें. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, इसलिए लाइक जो है वो ज़रूर वीडियो को कर दिया कीजिए. चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सो मिनरल का मतलब होता है खनिज, है ना. इट कैन बी मेटेलिक नॉन मेटेलिक एंड ऑन अदर हैंड एनर्जी का मतलब क्या है. एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है. सो इन संसाधनों को हम पढ़ेंगे जो कि मिनरल्स एंड एनर्जी से रिलेटेड हैं. Let us start reading the chapter. Both mineral and energy resources are very significant as far as for the development of a country is concerned. The countries which possess more reserves of these resources are deemed to be in कैटेगरी ऑफ रिच कंट्रीज. सो ये दोनों ही जो है एनर्जी से और जो एनर्जी रिसोर्सेज या मिनरल रिसोर्सेज होती है, दोनों ही किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है. उस देश की तरक्की ज़्यादा होगी जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. सो मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स, अंडरलाइन द लाइंस, व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स आर दोज नेचुरल प्रोडक्ट्स. मिनरल्स वो कुदरती संसाधन होते हैं विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, जो कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे कि आयरन, मैगनीज, है ना, इस तरीके से. एंड आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ, धरती से बाहर इनको निकाला जाता है, धरती के अंदर होते हैं ये, वहाँ से इनको निकाला जाता है, ठीक है. सो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स नेचुरल कुदरती चीज़ें होती हैं, ये कुदरती प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, धरती की गोद में होते हैं, धरती के अंदर होते हैं, वहाँ से इनको निकाला जाता है, ठीक है. दीज मिनरल्स हैव स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन. इन मिनरल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कुछ इनके अंदर केमिकल्स होते हैं. दीज आर ऑल्सो नॉन फॉर द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. इनको इनके जो फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है. द मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है. सो जो तीन तरह के ये कैटेगरीज़ हैं मिनरल्स की, फर्स्ट देखिए आप कौन से मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन जैसे जो आ जाते हैं एलिमेंट्स. उसके बाद हमारे पास है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसके अंदर माइका, लाइमस्टोन, डायमंड, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब आ जाते हैं. एंड एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, इसके अंदर आ जाते हैं. नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं फर्दर टू टाइप्स के होते हैं. एक तो फेरस मेटेलिक होते हैं, जिसके अंदर आयरन होता है. फेरस का मतलब होता है वो मिनरल्स जिसके साथ आयरन आता है. एंड नॉन फेरस इसके जो कि विदाउट आयरन होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन, मैगनीज एक्सेट्रा, ठीक है. सो देर आर टू टाइप ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स दो तरह का होता है, बट नॉन मेटेलिक अपने में ही एक टाइप का है और एटॉमिक मिनरल्स जो हैं वो भी एक टाइप के हैं. बट मेटेलिक जो है वो दो तरह का होता है, दैट आर फेरस मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है. तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं ये दो तरह के हैं, नॉन मेटेलिक अपने में ही एक टाइप है और जो एटॉमिक मिनरल्स हैं वो भी अपने में एक टाइप होती हैं. सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैव बीन डिस्कस्ड बिलो. कुछ जो मिनरल्स हैं यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, ये कहाँ से आते हैं, इनका यूज़ क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, है ना, अभी वो हम पढ़ेंगे. सो आयरन और मतलब जो लोहा है ना, लोहे कहाँ से मिलता है भैया. 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ आयरन और, कहते हैं कि 5% जो धरती की सतह है, क्रस्ट क्या होती है, ऊपर वाली थिनेस्ट लेयर है धरती की, ये आयरन और से कहते बनी है. हाईली जो है ये कहते यूजेबल है, बहुत ज़्यादा यूजेबल है ये. द मेटल इज़ यूज टू मेक मैनी प्रोडक्ट्स. इस मेटल को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आता है. आपको पता है लोहा कहाँ कहाँ काम आता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है लोहा. इट इज़ नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, बट ये कहते हैं कि लोहा जो होता है प्योर फॉर्म में नहीं आता धरती में, यानी कि एज इट इज़ हमें मिल जाता है और हम उसको अलग अलग चीज़ों को बनाने में, लोहे का सामान बनाने में उपयोग करते हैं, ऐसे नहीं होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं आता है. इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं बच्चे, इट हैज़ मेनी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ आता है ये. एंड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड इन द इंडस्ट्रीज, सो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको रिमूव किया जाता है, इन इम्प्योरिटीज़
प्रॉपर्टीज़ को एंड प्योर आयरन इज़ मेड, प्योर आयरन जो हो वो बनाया जाता है। आपको पता है कि आयरन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बेस इंडस्ट्री है ये, कोई और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके ऊपर निर्भर करती हैं, है ना। बहुत सारी जैसे एक छोटी सी नीडल से लेके बड़ा सारा जो शिप होता है उसको बनाने में लोहे का कितना ज़्यादा लोहा कितना काम आता है ना। सो आयरन ओर जो है कहते हैं कि क्रस्ट में मिलते हैं, चार इसके टाइप्स हैं। पहला है मैग्नेटाइट, सेकंड लिखा है यहाँ पे हेमेटाइट, थर्ड लिखा है लेमोनाइट एंड फोर्थ लिखा है साइडराइट। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, देर आर फोर टाइप ऑफ आयरन ओर। फर्स्ट इज मैग्नेटाइट, सेकंड इज लेमोनाइट, थर्ड इज हेमेटाइट एंड फोर्थ इज साइडराइट। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है, नेक्स्ट हम पेज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 21 के कहाँ कहाँ पे है ये। सो रशिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, रशिया में और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में बहुत सारा जो है रिज़र्व, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा। इंडिया प्रोड्यूसेस 5.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड आयरन, वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, वर्ल्ड लिखा हुआ है, टोटल वर्ल्ड आयरन प्रोडक्शंस। ठीक है, आयरन ओर प्रोडक्शंस के तहत इंडिया जो है वो 5.5% जो है वो इसकी प्रोडक्शन करता है आयरन ओर की। यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के बाकी देश हैं उनमें से 5.5% जो है वो तो इंडिया ही प्रोड्यूस जो है वो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया के अंदर जो चारों हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हर एक प्रकार के आयरन ओर हैं इसके अंदर, है ना। बट हेमेटाइट टाइप इज़ मेनली फॉन्ड, हेमेटाइट ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, है ना। तो दीज आर द आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं देश की। सिंहभूम इन बिहार, बिहार के अंदर सिंहभूम है जगह, मयूरभंज इन उड़ीसा, दुर्ग एंड बस्तर इन छत्तीसगढ़, मैसूर, बेलारे एंड दरबार इन कर्नाटका आर द एरियाज नॉन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो अच्छी तरीके की, अच्छी किस्म की जो आयरन ओर होती है वो कहते हैं यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी इन इलाकों में, जो इंडिया के इन इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। सो मैंगनीज जो है यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आयरन ओर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग के 5% फाइव इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड का आयरन प्रोड्यूस करता है। ये आयरन ओर इसके अंदर है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। सो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, चार तरह का ये होता है। चलो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम लोग जो है मैंगनीज। सो मैंगनीज इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। इट इज़ हाईली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फेरो अलॉयज। अप्रॉक्सीमेटली 6 kilograms ऑफ मैगनीज इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग 1 ton ऑफ स्टील। अब क्या लिखा है यहाँ पे, मैगनीज जो है कहते आयरन स्टील प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार है, काम आता है ये। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो फेरो अलॉयज होते हैं, मतलब आयरन के अलॉय क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं ये ना, मेटल्स के या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल के, तो उसको अलॉय कहते हैं हम लोग। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फेरो आयरन, फेरो अलॉयज़ को बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 kilograms ऑफ मैगनीज इज़ यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग 1 ton ऑफ स्टील। तो 6 kilograms मैगनीज को 1 ton स्टील बनाने में कितने काम आता है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो साइंस के अंदर आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा हुआ है, CaO Cl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कई चीज़ों में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो मैगनीज को ही यूज़ किया जाता है कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, पेंट्स, बैटरीज एक्सेट्रा, है ना, इस इन सब चीज़ों में काम आता है ये। इंडिया स्टैंड्स सेकेंड टू जिम्बाब्वे इन द रिजर्व्स ऑफ मैगनीज बट इन प्रोडक्शन इट्स ऑक्यूपाइज द 5th space। सो इंडिया का जो रैंक है कहते सेकेंड टू जिम्बाब्वे है, आफ्टर जिम्बाब्वे इट्स रैंक इज सेकेंड इन द रिजर्व्स ऑफ मैगनीज, है ना। मैगनीज प्रोडक्शन के अंदर अगर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया रैंक सेकेंड एंड इन प्रोडक्शन इट ऑक्यूपाइज द 5th space, है ना। प्रोडक्शन में इसका जो जगह है वो है फिफ्थ रैंक है इसका। नेक्स्ट, मैगनीज अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि आपका है कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। सो गोवा मैगनीज इन स्मॉल क्वान्टिटीज इज ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। सो इन सब स्टेट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। मैगनीज इज़ ऑल्सो फाउंड इन सुंदरगढ़, कलाहांदी,
गौरपुत, बोलांगीर, संभालपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा के कुछ ज़िले हैं, वहाँ पे मिलता है आपको देखने को। नागपुर, बंधोरा, पटनागिरी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ये कुछ ज़िले हैं जैसे कि नागपुर, बंधोरा, पटनागिरी, फिर बालाघाट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कुछ फेमस ज़िले हैं मैंगनीज प्रोडक्शन के, ठीक है। तो ये हम लोग इंडिया के अंदर पढ़ ले कहाँ कहाँ पर मैंगनीज देखने को जो है वो मिलती है। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग कॉपर के बारे में। सो कॉपर इज़ सॉफ्ट एंड ब्राउन कलर्ड मेटल। कॉपर जो होता है बड़ा ही सॉफ्ट और ब्राउन कलर का ही मेटल होता है ना। तांबा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, तांबे के बर्तन भी होते हैं, तांबे के गहने भी होते हैं, है ना। सो एक मेटल है जो कि इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से में मिलता है। मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से हम इस मेटल को यूज़ करते आ रहे हैं। कॉपर इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद टिन इट इज़ नोन एज ब्रॉन्ज। अगर हम इसको कॉपर को टिन के साथ मिक्स कर देते हैं कहते हैं इसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसी, आपने अगर कोई खेलने गए हो तो वहाँ पे तीन तरह के जैसे मिलते हैं प्राइजेस मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड है ना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं। सो इस तरीके से जो ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। एंड इसको कई तरह के टूल्स में और वेपन्स बनाने में इस ब्रॉन्ज को काम जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो कॉपर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूटेंसिल्स, कॉइन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अब इस कॉपर को कहते हैं यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, है ना, कॉइन्स बनाने में, 5 रुपये का अपनी कॉइन देखा होगा। सो इलेक्ट्रिक वायर्स, तारों के अंदर कॉपर को यूज़ करते हैं और कई तरह के और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। बीइंग अ सॉफ्ट एंड गुड क्वालिटी मेटल, इतना सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का मेटल होने के बावजूद द कॉपर जो कैन बी टर्न इनटू वेरी थिन शीट्स, है ना। कॉपर को हम बड़ी पतली पतली शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घर में अलमारी होती है ना, पेटी होती है, तो उसको हम संदूक होते हैं तो कितने पतले पतले चादरें सी होती हैं ना। तो मेटल्स कैन बी, अपने साइंस में पढ़ा है कि मेटल्स आर डक्टाइल, लुस्ट्रे नेचर, है ना। सो दे आर मैलेबल, है ना, वी कैन कन्वर्ट दैम इंटू थिन वायर्स एंड वी कन्वर्ट दैम इंटू थिन शीट्स। तो ये वही क्वालिटीज़ हैं, ये कॉपर जो है वो भी मेटल ही है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चिले, जाम्बिया, कैनेडा, जायरे, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जहाँ पर कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ हैं ये। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया लैग्स बिहाइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, रिजर्व्स ऑफ कॉपर आर फाउंड इन द सिंहभूम, झारखंड के अंदर, बालाघाट, मध्य प्रदेश, झुंझुनू, अलवर, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सो कॉपर जो है कहते हैं इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल सम क्वान्टिटीज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, कर्नाटका एंड गुजरात के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट भी एक तरह का मेटल होता है। बॉक्साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट और है जो कि एल्युमिनियम से हमें मिलता है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, है ना। दिस इज़ अ क्ले टाइप मेटल, ये क्ले तरह का मेटल होता है जिसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये वाइट या पिंक कलर में होता है। द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट वॉज अननोन टिल 1886 के, 1886 तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि एल्युमिनियम को कैसे बॉक्साइट से अलग करना है। देयरफॉर इट्स यूज वॉज नॉट पॉसिबल बट टुडे, आज तब कोई इसको यूज़ नहीं करता था, है ना, बट आज कहते हैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं लोग, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं बड़ी तदार में, बड़े पैमाने पे। फ्रॉम द यूटिलिटी पॉइंट ऑफ इट, अगर हम इसके यूज़ करने के पॉइंट से देखें तो इट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द मेटल लाइक टिन एंड कॉपर। सो इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है टिन को, कॉपर को, है ना। एल्युमिनियम के बर्तन में बनते हैं ये शिप्स में, एरोप्लेन्स, रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज़ जो है वो होता है। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं? ऑस्ट्रेलिया, चमाकिया, गिनिया, सुरिनाम, रशिया, हंगरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमंग अदर्स आर इम्पॉर्टेंट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस मच ऑफ बॉक्साइट। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आर इम्पॉर्टेंट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं करता है इंडिया, बट इन जो स्टेट्स मैंने अभी आपको रीड करके बताए हैं इनके अंदर कुछ कुछ बॉक्साइड जो है देखने को मिलता है।
अभी नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला, अगर इंडिया के अंदर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है बॉक्साइट को, सो उड़ीसा इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। उड़ीसा जो है लीडिंग स्टेट है बॉक्साइट को प्रोड्यूस करने में। कलाहंदी, कोरापुत, सुंदरगढ़, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट्स आर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑक्साइड प्रोडक्शन इन उड़ीसा। उड़ीसा के ही कुछ ज़िले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है गुजरात स्टेट नेक्स्ट स्टेट। गुजरात स्टेट जो है वो उड़ीसा के बाद उसका नाम आता है इसके प्रोडक्शन में। जामनगर, जुहागर, खैरा, कच्छ, अमरेली, भावनगर डिस्ट्रिक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ऑफ गुजरात। ये भी कुछ ज़िले हैं जो कि बॉक्साइट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड। सो सोना है ना, किसको अच्छा नहीं लगता गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सो मैन हैज़ बीन यूजिंग गोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े ही लंबे समय से इस्तेमाल करता आ रहा है गोल्ड को आदमी। बहुत ही अट्रैक्टिव मेटल है ये ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस कलर, इसके कलर और उसकी सुंदरता जो है इतनी होती है कि अपने तरफ दूसरों को आकर्षित करता है। ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स इससे बनते हैं, गहने बनते हैं इससे। इट इज़ वेरी कॉस्टली मेटल बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन बहुत डिमांड है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए बहुत महंगा होता है। इट इज़ यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ टीथ एज गोल्ड लीव्स एंड इन सम मेडिसिंस। कहते हैं कि इसको दांत भी कई लगवाते हैं, सोने का दांत है ना, और गोल्ड लीव्स बनवाते हैं, बिस्किट्स बनवाते हैं इसे गोल्ड के, और खाने के लिए नहीं डेकोरेशन के लिए, एंड इन सम मेडिसिंस कुछ मेडिसिंस के अंदर भी इसको इस्तेमाल जो है किया जाता है। सो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है कि कौन प्रोड्यूस करता है गोल्ड, तो है दैट इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% जो प्रोडक्शन है वो तो सिर्फ साउथ अफ्रीका ही जो है वो कर रहा है। देखिए सो ठीक है, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा मतलब लीडर है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में। सो उसके बाद आ जाता है कैनेडा, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, घना, ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री द वर्ल्ड प्रोड्यूस गोल्ड, कहते हैं हर एक देश जो है वर्ल्ड का वो गोल्ड प्रोड्यूस करता है। इंडिया की बात करें तो बहुत कम है, 0.75% जो है ये बट प्रोड्यूस करता है गोल्ड। कर्नाटका जो है लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री का। सो यहाँ पे पता लगा कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है ये, एंड मतलब यहाँ पे होता है। टू ऑफ द थ्री मेन गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन्स, दैट इज़ इसके अंदर जो रीजन्स हैं कर्नाटका के अंदर कौन है, कोलार जिला कोलार है, एंड हट्टी डिस्ट्रिक्ट जो है रायचूर कर्नाटका के अंदर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ रामगिरी डिस्ट्रिक्ट, अनंतपुर इज़ इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन स्पाइट ऑफ दीज, इनके अलावा सम गोल्ड इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्टेट ऑफ झारखंड एंड केरला। झारखंड एंड केरला के अंदर भी कुछ जो गोल्ड है आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। नेक्स्ट आता है माइका। सो माइका जो है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट इन कलर। इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल लेयर्स, कुछ लेयर्स के अंदर हम इसको तोड़ सकते हैं, पीसेस में तोड़ सकते हैं इसको। एंड माइका इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल विच इज़ फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स। ये एक नॉन मेटालिक मिनरल होता है जो कि इग्नियस रॉक्स में मिलता है देखने को। इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको मिलेगा। बींग अ बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहते इलेक्ट्रिसिटी में से पास नहीं होती। इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मैनी इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस में इसको यूज़ जो है वो किया जाता है बिकॉज ये बैड कनेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि कंडेंसर जो होते हैं या इंसुलेटर्स जो होते हैं, है ना, आयरन जो होती है प्रेस घर पे आप यूज़ करते हो, हीटर्स, रेडियोस, टेलीविजन्स के अंदर माइका को यूज़ जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है USA, रशिया, इंडिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। आप इस मैप को आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत इजी वे से बताया गया है कुछ जो सिंबल्स को यूज़ करके। यू कैन सी हियर, ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पे बताए हुए हैं कि माइका है ना। सो जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डायमंड, एटॉमिक मिनरल सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये आपको इस तरीके से इंडिया के स्टेट्स के अंदर आपको सिंबल्स बना के जो है वो बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, नॉन मेटालिक सब्सटेंस थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इंडिया हैज़ बीन लीडिंग लीडर इन इट्स प्रोडक्शन बट नॉ इट्स प्रोडक्शन इज़ रिड्यूसिंग। कहते हैं इंडिया जो है इसकी प्रोडक्शन में, किसकी प्रोडक्शन में, जो भी हम पढ़ रहे थे माइका के प्रोडक्शन में लीडर था, बट अभी इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। मेन रीज़न जो है इसके कम होने का वो ये है कि डिमांड इसकी दूसरे देशों में कम है, है ना। सो दूसरे देशों में लोग जो हैं वो प्लास्टिक सब्सटेंसेस जो हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 95% ऑफ माइका इन इंडिया इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट्स। 95% जो माइका है इंडिया में वो कहाँ से मिलता है, आंध्र प्रदेश स्टेट से,
राजस्थान से, झारखंड, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में से मिलता है। ये कुछ माइका प्रोड्यूस करने वाली स्टेट्स हैं। उसके बाद नेल्लोर, विशाखापट्टनम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश, जयपुर, उदयपुर, भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर, गया जो बिहार के अंदर है, हजीरा हजारीबाग झारखंड के अंदर जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास एटॉमिक मिनरल्स हैं। एटॉमिक मिनरल्स अब पढ़ेंगे, यूरानियम, थोरियम है ना, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम एंड जिरकोनियम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। ये कुछ एटॉमिक मिनरल्स होते हैं, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, जो जैसे एटम बॉम्ब बनते हैं ना, आपने सुना होगा बॉम्ब, तो उन बॉम्ब्स को बनाने के लिए इन एटॉमिक मिनरल्स का ही इस्तेमाल जो है किया जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें से निकलती है ना जब ये ब्लास्ट करते हैं। सो एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम दीज मिनरल्स इज नोन एज एटॉमिक एनर्जी। एनर्जी जो कि इसमें से निकलती है हम उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक एनर्जी कहेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स एंड टेक्निकल नॉलेज नो हो आर मस्ट। कहते हैं कि हमें है ना इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए मिनरल के बारे में, बिकॉज अगर टॉयस तो होते नहीं जिनके साथ हम खेलते रहे हैं ना, तो ये मिनरल्स हैं, सो सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास। सो एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैव बीन, एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि यूएसए के अंदर भी है, रशिया, जापान, यूके एंड इंडिया के अंदर भी है ना। सो यूएसए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये वाला यूरेनियम का वर्ल्ड के अंदर, एंड द यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं जैसे कि कनाडा, जो साउथ अफ्रीका, जरे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन एक्सेट्रा, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मिलते हैं आपको देखने को। थोरियम जो है वो भी ब्राज़ील के अंदर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया के अंदर भी। प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स इन इंडिया कुछ जो यहाँ पे देखो बेटा दिए गए हैं कि यूरेनियम जो है जैसे सिंघभम है ना, हजारीबाग झारखंड के अंदर, गया जो है बिहार के अंदर है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उदयपुर राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट है थोरियम। सो थोरियम जो है कहता है कि स्टेट्स ऑफ केरला हो गया, झारखंड, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पे मिलेगा आपको। लिथियम नेक्स्ट आ जाता है, लिथियम जो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड केरला स्टेट्स के अंदर ये आपको मिलेगा। दीज एटॉमिक मिनरल्स शुड बी यूज वेरी केयरफुल, उनको कहते हैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। दीज शुड ओनली बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय जेनेटिक एनर्जी, है ना, हमें इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जैसे आतंकवादी करते हैं, टेररिस्ट करते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें अपने गलत फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, देश के लिए होता है, देश के सुरक्षा के लिए ये वाला। और इनसे कहते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्शन, पॉल्यूशन जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और डिस्ट्रक्शन भी होती है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो इसके भले के लिए ही, लोगों के भले के लिए ही करना चाहिए, हमें नुकसान के लिए नहीं करना चाहिए। इट विल बी वेरी वाइज स्टेप। सो नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं भाई, उनके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं जिनसे ऊर्जा निकलती है, रिसोर्सेज जो कि एनर्जी देते हैं है ना, बहुत सारी आदमी की एक्टिविटीज़ के लिए उनको हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एंड मैन नीड्स एनर्जी फॉर डोमेस्टिक स्टोव टू द बिग इंडस्ट्रीज़, है ना, तो हमें एनर्जी चाहिए अब घर पे एक चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हे से लेके एक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं है ना उनको रन करने के लिए हमें ये चाहिए होता है एनर्जी। देर आर सम एनर्जी रिसोर्सेज विच द मेन मैन हैज़ बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करता आ रहा है वो, एंड दीज इंक्लूड जिसके अंदर आता है कोल, ऑयल, हैंड, नेचुरल गैस, है ना, घर पे आप एलपीजी गैस यूज़ करते हो, कैरोसिन ऑयल घर पे स्टोव को चलाने के लिए यूज़ करते हो, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं मैन हैज़ स्टार्टेड यूजिंग, अभी आदमी यूज़ करने लग गया है, जो कि पोल्यूशन फ्री होते हैं, चीप, सस्ते होते हैं, न्यू है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सीएनजी गैस हो गई है ना, तो उनको लोग क्या करेंगे, जैसे आजकल हम यूज़ कर सोलर सेल्स होते हैं, सोलर पैनल प्लांट्स जैसे लगाए जा रहे हैं, है ना, सो सोलर एनर्जी को यूज़ करके, विंड एनर्जी को यूज़ करके जैसे लगाए जा रहे हैं, सी वेव्स एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, कॉर्डन गोबर गैस जैसे होती है ना, उनको यूज़ किया जा रहा है। सो इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको हम, इन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, इन सोर्सेज को कहेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हम कहेंगे। नो वी विल स्टडी अबाउट सम कन्वेंशनल एज वेल एज कुछ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यू कैन सी इन द मैप गिवन हेयर के कौन कौन से देश है जहाँ पे आपको मिनरल्स, ऑयल एंड कॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे है जो गैस,
फील्ड दिए गए हैं कुछ इंडस्ट्रीज़, ठीक है, डॉटेड या एक्चुअली पीडीएफ के अंदर कुछ ब्लरी से दिख रहा है, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाई देगा जो अभी डॉटेड सिंबल्स यूज़ करके बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे 28 पेज से कोल के बारे में। सो कोल जो है एक काले रंग का, आपने देखा ही होगा, काला सा ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कार्बन इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये कार्बन से बना होता है। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, धुआं नहीं मतलब इसमें से निकलता, लाइट निकलेगी, हीट निकलेगी इसमें से, है ना। सो यूज़ फॉर डोमेस्टिक स्टोर्स, घर के कामों में इस्तेमाल आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में रेलवे को चलाने के लिए काम आता है ये कोल। जो है थर्मल प्लांट्स में काम आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट द कोल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। सो चार तरह का ये कोला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इनमें से कहते हैं जो एंथ्रासाइट है वो बेस्ट और पीट जो है लोएस्ट क्वालिटी का होता है कोल। एंड कोल जो है हमें कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स अंडर द अर्थ। धरती के सतह के नीचे जो दबी होती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, वहाँ से हमें कोला मिलता है। अर्थ इज़ बीइंग डग टू रीच द कोल माइंस। सो धरती को खोदा जाता है ताकि कोल माइंस तक पहुँचा जा सके। इट इज़ वेरी रिस्की टू वर्क इन कोल माइंस। कोल माइंस में काम करना कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्की होता है। सो कोल इज़ फाउंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। बहुत सारे देशों के अंदर कोला जो है मिलता है, जैसे कि USA फर्स्ट रैंक पर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोला 24%। एंड उसके बाद चाइना, रशिया, पोलैंड, UK ऑक्यूपाई सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्पेस प्लेस रिस्पेक्टिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, ठीक है। तो USA के बाद चाइना के रशिया, पोलैंड एंड UK कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि कोला अच्छी प्रोडक्शन करती हैं। ये इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड कोल एंड ऑक्यूपाइज द 6th पोजीशन, ठीक है। आफ्टर UK जो है इसका जो पोजीशन है इंडिया का वो 6th है। कोल इज़ फाउंड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोल कई तरह के स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंदर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। झारखंड लीड्स इन प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व्स ऑफ कोल। यहाँ पे कई कोल्स के रिजर्व्स भी बने हुए हैं झारखंड के अंदर। एंड 23% कोला जो है देश का वो प्रोड्यूस करता है। धमका, हजारीबाग, धनबाद, पलमू कुछ मेन प्रोड्यूसिंग कोला प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं झारखंड के। झरिया, बोकारो, गिरधी एंड करानपुरा आर अदर इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये है कोल प्रोड्यूस करते हैं कुछ बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज़ में। कोरबा, बिरमपुर, लखनपुर, झिलमिली छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, संभलपुर है ना, सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। उसके बाद है कोल इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। कुछ वहाँ पे जो है आपको इन सारी स्टेट्स के अंदर कोला जो है वो उसकी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, मिनरल ऑयल के बारे में। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं। आज कहते हैं इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड स्टडेड विद मशीनरी पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस। आज देश है हमारा मशीनों का युग है, यू कैन से, है ना। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, है ना। सो पेट्रोलियम एक लिक्विड गोल्ड, हम इसको कह देते हैं, इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। एंड ऑयल इज़ यूज्ड इन मैनी मशीन्स, बहुत सारी मशीनों में, ऑटोमोबाइल्स में, है ना, व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, स्कूटर्स लेके एरोप्लेन तक, सबको मिनरल्स ऑयल चाहिए रन करने के लिए। ऑल्दो द रीजंस बिहाइंड इट्स एक्युमुलेशन इन द रॉक्स आर नॉट फुली नोन, येट इट इज़ अज्यूम्ड दैट इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम डिकेइंग एंड डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि, या इस क्लास में भी आप पढ़ोगे कोल के बारे में, कि कोल जो होता है कैसे बनता है, जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से बनता है। सो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, कई क्रिएचर्स जो कि चट्टानों की सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर बैठ जाते हैं, तो वहाँ से ये मिनरल पेट्रोलियम जो है वो बनता है। ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, तो इस ऑयल को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो है रिफाइन किया जाता है एंड कैटेगराइज इन द ऑयल रिफाइनरीज, तो इसको अलग अलग किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज के अंदर, इसके प्रोडक्ट्स को अलग अलग जो है वो किया जाता है। सो आप ये देख सकते हो सेडिमेंटरी रॉक्स या अलग अलग कलर्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट है उसके बाद के ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तेल बहुत सारे देश, जो देश होते हैं, है ना, वर्ल्ड के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। USA, रशिया, इट्स एडजॉइनिंग कंट्रीज़, चाइना हैव गुड रिसोर्स ऑफ ऑयल। मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन,
कुवैत एक्सेट्रा ऑल आर वेरी रिच इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन देशों के अंदर. ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर भी देखने को मिलेगा आपको. एंड पोजिशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी साउंड. बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, अच्छी नहीं है ऑयल प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्शन में. इट प्रोड्यूसेज अप्रॉक्सीमेट 33.4, पर फिर भी देखो कितना है बेटा, 33.4 मिलियन टन जो है इसने क्रूड ऑयल 2003-04 के अंदर, उस साल के अंदर बनाया था. असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. डिगबॉय, नहार काटिया, मुरान, होगरजियान जो असम के अंदर है, अखिलेश्वर, कंभाट, अहमदाबाद गुजरात, भरमर राजस्थान, मनभम आंध्र प्रदेश एंड मुंबई हाई महाराष्ट्र हैं कुछ चीफ मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं देश के. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में. नेचुरल गैस जो है वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. व्हेन एनी ऑयल वेल इज़ डग, जब कोई भी ऑयल वेल को मतलब डग किया जाता है तो उसमें से नेचुरल गैस जो निकलती है. नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी सोर्स है. ये घर के अंदर जो है यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है. नेचुरल गैस जो है काफ़ी जगह पर हमें देखने को मिलती है. USA सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का. रशिया, मिडल ईस्ट हो गया, कंट्रीज़ जो हैं कैनेडा है ना, इन देशों में हमें देखने को ये मिलता है. सो नेचुरल गैस बहुत सारे इलाकों में इंडिया में भी देखने मिलेगा. कृष्णा गोदावरी बेसिन अ प्लेस पे बंगाल जैसे उड़ीसा के पास जो है, भरमा राजस्थान के अंदर है ना, तो कुछ नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं. पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नेचुरल गैस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कंभात, कच्छ इन गुजरात, त्रिपुरा स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा. अबाउट 75% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम मुंबई हाई. कहते 75% जो टोटल नेचुरल गैस है मुंबई हाई से मिलती है, और 11% जो है वो नेचुरल गैस वो मिलती है गुजरात से. नेक्स्ट उसके बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से मतलब बिजली बनाना जैसे हो गया है ना. सो हाइड्रो मतलब पानी. सो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. एंड हम पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेन्यूएबल वाटर सोर्स. वाटर के ऊपर डिपेंड करता है ये. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय टू मेथड्स, वन फ्रॉम वाटर दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अदर फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल एंड कोल इन थर्मल प्लांट. सो दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, एक तो पानी से, दूसरा ऑयल या फिर कोल से. ठीक है. सो वाटर इज़ फ्री, वाटर फ्री एक रेन्यूएबल सोर्स है ना. सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इज अवेलेबल. वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है जिसको हम बिजली बनाने में काम जो है ले सकते हैं. वाटर इज थ्रोन थ्रू द टर्बाइंस ओवर टर्बाइन थ्रू टनल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ओवर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. सो पानी जो है कहते हैं कि टर्बाइंस के ऊपर फेंका जाता है टनल्स के द्वारा. बड़े बड़े डैम्स जो बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर एंड स्टीम झरनों के ऊपर. सो ये टर्बाइंस जो है रोटेट की जाती हैं, होती हैं पानी जब उसके ऊपर ताकत लगाता है. व्हेन दीज टर्बाइंस रोटेट, जब ये टर्बाइंस रोटेट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज देन टेकन टू वेरियस प्लेसेस थ्रू वायर्स. सो तारों को यूज़ करके, वायर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है. ये आप एक डैम है कैलिफोर्निया के अंदर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, USA में कैलिफोर्निया है. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो वाटर सोर्स शुड बी पेरिनियल इन नेचर. दीज शुड बी देयर शुड बी रिक्वायर्ड स्लोप और हाइट इन द पाथ ऑफ वाटर. सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल है ना. जो बिजली पैदा करनी है हमें तो पानी उतना अवेलेबल वहाँ होना चाहिए, डैम वगैरह बनाने चाहिए है ना. सो कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पावर स्टेशन जो है मतलब पैसे जो है जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए. सो देर शुड बी डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एरिया. उस एरिया में डिमांड होनी चाहिए, यानी कि बिजली की वहाँ ज़रूरत है नहीं, हम लोग वहाँ पर डैम बनाने लगे. सो आसपास के एरिया में जो जहाँ पर डैम बना रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत होनी चाहिए बिजली की, इसलिए हमें बनाना चाहिए वहाँ पर. सो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी है ना. सो मैनी ऑफ दैम जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जैसे कि USA, रशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बहुत सारे देश हैं जो कि बिजली बना रहे हैं. इंडिया भी उसमें से एक है. एंड USA अकेला ही 31% जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके कहते इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है. ब्राज़ील, कनाडा हो गया जो, वो भी डिपेंड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड इन कैलिफोर्निया जो है USA के अंदर. ये डैम आपने पढ़ लिया, डैम इन USA, डैम इन कैलिफोर्निया USA.
इंडिया कहते हैं 1% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 37% टोटल एनर्जी सोर्सेज। इट शोज दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। देर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया। कोई पानी की कमी नहीं है देश के अंदर हमारे, है ना। बहुत सारे नदियाँ, बहुत सारे समुद्र हैं, बहुत सारे झरने हैं। देर कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, जैसे कि इंडिया हिमालय में जो नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय है वहाँ उसके रिवर्स और स्ट्रीम्स हो गए जहाँ पे डैम बनाया हुआ है ना। साउथ के अंदर हो गया नॉर्थ इंडियन रिवर, जैसे कि यहाँ पे बेटा लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र उनके ट्रिब्यूटरीज के अंदर, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो, क्योंकि स्नो मेल्ट करती है सारा साल और वहाँ पे रिवर्स सारा साल बहते रहते हैं वहाँ पे। सो डैम बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस जो है वो करने के लिए, ठीक है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उनकी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अंदर जो रिवर्स हैं उनकी बहुत सारा कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। नॉर्थ इंडियन सोर्सेज ऑफ वाटर हैव मोर देन 78% ऑफ पोटेंशियल हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन रिवर आर रेन साउथ रेनफेड लिखा है कि यहाँ पे बारिश होती रहती है नदियों में भी। सो 21% हिस्सा है जो है टोटल पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का वो इसके अंदर कहते हैं देखने को मिलता है। सो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाते हैं, बनाए हुए हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर भी जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, है ना। सो हिली एरियाज जैसे कि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ये भी अच्छी खासी जो बिजली है वो पैदा कर रहे हैं पानी को इस्तेमाल करके, ठीक है। सो उसके बाद डैम्स के कुछ नाम हैं, जैसे कि नागार्जुन सागर डैम हो गया, गंगा इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम उत्तर प्रदेश के, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड है महाराष्ट्र के अंदर, हीराकुंड डैम है उड़ीसा के अंदर, मंडी एंड पंदो प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, पोंग डैम है और भाखड़ा नंगल डैम जो आप पंजाब के अंदर आपको पता ही है, ठीक है। सो द डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स विच आर एस्टैब्लिश फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स उनको बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो है कई तरह के काम पूरे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लड्स को कंट्रोल करना, है ना, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना, मिट्टी के खुरदान से बचाना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, खेत जो होते हैं आसपास के उनको इरीगेट करना, सो डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन द लेक्स एंड रिजर्वियर्स, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मतलब लोगों को टूरिस्ट एरियाज जो हैं उनको और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है। अदर एनर्जी रिसोर्सेज और कौन कौन से हैं भाई, सो इन स्पाइट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, एटॉमिक एनर्जी, ये सब भी एनर्जी गिविंग रिसोर्सेज होते हैं। एंड सोलर एनर्जी को हीट के लिए, पानी गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, घर को गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी आर गोइंग ऑन, है ना। तो जैसे आपने देखा है सोलर पैनल्स लगे होते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, हवा जो होती है जब चल रही होती है उसको हम विंड कहते हैं, है ना। उस विंड एनर्जी को यूज़ करके भी बिजली जो है बनाई जा सकती है, जैसे विंड मिल्स होती हैं, आपने साइंस बुक में देखा होगा, विंड मिल्स के बारे में पढ़ा होगा। एंड जियो थर्मल एनर्जी इज़ ऑल्सो बींग यूज इन डिफरेंट वेज, जियो थर्मल एनर्जी जो है उसको भी यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीकों में। मेनली इट इज़ यूज टू हीट आर हाउसेज, ये हमारे घरों को गर्म करने में मदद करता है। बहुत सारे देश जैसे कि रशिया, जापान, न्यूजीलैंड जो है वो जियो थर्मल यूज़ करके एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टाइड्स जो होती हैं, है ना, समुद्रों की, तो उनको भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि करेंगे एनर्जी सोर्सेज है, वो सोच रहे हैं लोग के आने वाले भविष्य में इसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। सो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि मेटालिक आ गया, नॉन मेटालिक आ गया, एटॉमिक रिसोर्स आ गए, और मेटालिक के अंदर जो है फेरस और नॉन फेरस आ जाते हैं, इसके अंदर आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, बॉक्साइट आ जाते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है नॉन मेटालिक मिनरल, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, गोल्ड, डायमंड, सॉरी जिप्सम। एटॉमिक में से यूरानियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम। एंड एनर्जी सोर्सेज के कन्वेंशनल, नो कन्वेंशनल दो होते हैं, और कन्वेंशनल जो पुराने तरीके हैं जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। उसके बाद जो नॉन कन्वेंशनल हैं जो कि आज नए हैं एंड अनलिमिटेड हैं धरती के ऊपर, इनको यूज़ करके ख़त्म नहीं हो सकते कभी भी, तो ये विंड एनर्जी हो गया, जैसे जियो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब आ जाता है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज के बारे में हमें मिला है ना। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये वाला। सो पढ़ते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, एंड अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। ओके, गुड बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।